नमस्कार और स्वागत है आपका इंडियन मल्टीवर्स के नए एपिसोड में, जिसमें हम बात करने वाले हैं आरबीआई के मॉरेटोरियम से ग्राहकों के होम लोन और ईएमआई पर पड़ने वाले फर्क पर। कोरोना वायरस के प्रकोप से लॉकडाउन के कारण आरबीआई ने यह मॉरेटोरियम का फैसला किया है, लेकिन इसका नफा या नुकसान क्या है वो हम बताएंगे आपको। इसके अलावा रेपो रेट पर भी भारी कटौती करी आरबीआई ने, इन दोनों से लोन लेने वाले कैसे प्रभावित हो रहे हैं इस पर हम एपिसोड के अंत में बात करेंगे, तो आज का एपिसोड अंत तक जरूर देखें। आगे बढ़ने से पहले इंडियन रियल्टी वायर्स का चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन भी प्रेस करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन में कोई देरी ना हो। आते हैं आज के एपिसोड पर मेरे यानी रितेश सिंह के साथ। सबसे पहले जानते हैं मॉरेटोरियम है क्या। बैंक्स बहुत से घर खरीदारों को लोन लेने के पहले 6, 12 या 18 महीने तक केवल ब्याज या इंटरेस्ट देने को कहते हैं, यानी कि इस दौरान आपसे केवल ब्याज लिया जाता है, जो एक प्रकार से एक रियायत होती है। इसे ही बैंकिंग टर्म में मॉरेटोरियम कहा जाता है। बहुत से बैंकों में इसे हॉलीडे पीरियड भी कहते हैं, लेकिन आरबीआई द्वारा इस बार का मॉरेटोरियम इससे भी आगे का है। इससे ग्राहक को ब्याज से भी छूट मिल गई है, यानी ग्राहक चाहे तो अगले 3 महीने का ये किस्त स्किप कर सकता है या लोन की किस्त भरने से छूट मिली है और ये किस्त आने वाले अगले 3 महीने में जमा कर सकता है। मार्च 27 यानी पिछले महीने की 27 तारीख को आरबीआई ने सभी प्रकार की ईएमआई पर 3 महीने के मॉरेटोरियम की घोषणा कर दी। इस मॉरेटोरियम के हिसाब से मार्च 1 से 31 मई तक किसी भी लोन की ईएमआई जून से लेकर अगस्त तक चुकाई जा सकती है, यानी कि आपकी मार्च की ईएमआई 3 महीने आगे जून में चली गई है और इसी तरह अप्रैल की जुलाई में व मई की अगस्त में शिफ्ट कर दी गई है। फिर से समझ लीजिए, इस मॉरेटोरियम का मतलब साफ है कि आप इन 3 महीने मार्च अप्रैल मई की किस्त अगले 6 महीने तक चुका सकते हैं, जो जून जुलाई और अगस्त तक की आती है। यानी कि अगर आपकी देनदारी अगले 10 वर्ष की है तो अब वह देनदारी 10 वर्ष 3 महीने की हो गई है। ग्राहक को अपने लोन टेन्योर में या अवधि में 3 महीने का एक्सटेंशन मिल गया है या 3 महीना और जुड़ गया है, कर्जदारों के लिए ये एक अच्छी बात है। और अब यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि मॉरेटोरियम में क्या फ़ायदा हो रहा है। अब जरा आते हैं एक दूसरे मुद्दे पर, जो एक र्यूमर है। ये मैंने बहुत लोगों से सुनी और बहुत लोगों ने मैसेज करके भी पूछा है कि क्या किस्त माफ़ हो गई है। आपको मैं साफ बता दूं कि किस्त माफ़ नहीं हुई है, कोई वेव ऑफ नहीं मिला है किस्त में। किस्त तो आपको देनी ही पड़ेगी, सिर्फ आपको 3 महीने का ज़्यादा समय मिल गया है। अब जरा समझते हैं कि आखिर इसका इम्पैक्ट क्या होगा ड्यू अमाउंट पर। ये इसका दूसरा पहलू है और इसे समझना और भी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप किस्त नहीं देते तो अमाउंट तो बदला नहीं, ऐसे में ब्याज उसी बाकी के अमाउंट या आउटस्टैंडिंग अमाउंट पर लगता रहेगा और अमाउंट में बढ़ोतरी भी होती रहेगी। ये बढ़ोतरी आपके आउटस्टैंडिंग अमाउंट पर डिपेंड करेगा, यानी ब्याज तो लगना ही लगना है 90 दिन का, उसमें कोई ढील नहीं दी गई है, भले आप किस्त भर सकते हैं उसके 3 महीने आगे तक। अब सवाल उठता है कि ऐसा आखिर किया क्यों गया। इसका सीधा जवाब है कोरोना वायरस से लॉकडाउन में हिंदुस्तान। देश के इतिहास में ऐसा लॉकडाउन पहली बार हुआ है और यही प्रार्थना है कि ये आखिरी हो। ऐसे में जब सभी ऑफिस और संस्थान बंद हैं, सभी तरह के लेन देन बंद हैं, तब जनता के पास पैसे की कमी होना आम बात है। ऐसे विपदा में आरबीआई ने लोन देनदारों के लिए सहूलियत की है, जिससे उनके ऊपर लोन का बोझ ना आए और वो अपनी ज़रूरत की चीज़ों पर ध्यान दें, लॉकडाउन को सफल बनाएं। इसमें क्रेडिट कार्ड की पेमेंट भी है। अब आते हैं दूसरे घोषणा पर, जो आरबीआई ने अप्रैल मंथ में करी। ये है बैंक कर्जदारों के साथ साथ खुद बैंकों के लिए भी। ये था लोन न चुका पाने की स्थिति में लोन अकाउंट का एनपीए होने को लेकर। आरबीआई ने साफ किया कि कोई भी लोन अकाउंट मॉरेटोरियम के 3 महीने के दौरान एनपीए में नहीं डाला जाएगा या एनपीए होगा ही नहीं। आरबीआई की पिछली घोषणा में लोगों को 3 महीने का मॉरेटोरियम का फ़ायदा मिला था। इसके अलावा बहुत से ऐसे भी कर्जदार या ग्राहक हैं जो जनवरी और फरवरी की ईएमआई भी नहीं भर पाए होंगे। अब अगर लोन की किस्त पिछले 2 महीने से नहीं भरी गई तो नियम के हिसाब से मार्च के अंत में यानी 3 महीने पूरे होने के साथ आपका लोन अकाउंट एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गया। एनपीए होने के बाद बैंक अपना प्रोसेस शुरू कर देता है और कर्जदार से लोन भरने के लिए रिमाइंडर डालता है। कोरोना महामारी से परेशान जनता के लिए एनपीए का धक्का और बड़ी समस्या बन जाता। ऐसे में आरबीआई ने बैंकों और कर्जदारों दोनों को साफ कर दिया कि 3 महीने के मॉरेटोरियम के दौरान कोई भी अकाउंट एनपीए नहीं होगा। बैंकों के लिए ये निर्देश ज़्यादा जरूरी है, वहीं कर्जदारों के लिए ये जानकारी मायने रखती है। ऐसे में अगर बैंक आपसे लोन मांग रहा है तो आपको अपने हक की बात करनी चाहिए। लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या आपको इस मॉरेटोरियम का फ़ायदा उठाना चाहिए या नहीं। इसे ज़रा ध्यान से समझिएगा। यह फैसला केवल और केवल उनके लिए है, उनके हित में है, जिनका फ्लो ऑफ इनकम ख़त्म हो गया है और उनके पास केवल और केवल इमरजेंसी फ़ंड बचा है अपना घर चलाने के लिए। अगर आपके पास भरपूर फंड है, समय से सैलरी आ गई है और आगे भी आने वाली है, तो आपको ईएमआई भरनी चाहिए, क्योंकि
EMI ज़्यादा देने का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। ब्याज तो जुड़ रहा है आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट पर, जैसा मैंने आपको ऊपर भी बताया। मेरा सुझाव होगा कि लोन की किस्त या EMI देते रहें और क्रेडिट कार्ड की तो सबसे पहले चुकाएं, क्योंकि वहां पर ब्याज सबसे ज़्यादा होता है। अब बारी है 75 बेसिस पॉइंट यानी कि 75 बेसिस पॉइंट की कटौती रेपो रेट में, और मॉरेटोरियम होने के बाद ग्राहकों को क्या करना चाहिए। यह भारी भरकम कटौती सरकार और RBI की कोरोना से लड़ने की तैयारी को दर्शाता है। इस कटौती के बाद फिलहाल रेपो रेट 4.40% का रह गया है और रेपो रेट लिंक्ड लोन बहुत नीचे आ गए हैं। मेरा आप सभी व्यूअर्स को यही सलाह है कि आप सबसे पहले अपने लोन को रेपो रेट पर शिफ्ट करिए। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट आज भी रेपो रेट लिंक से ज़्यादा है, ऐसे में आपको बिना देरी के लिए लोन शिफ्ट कर लेना चाहिए। हो सकता है इसमें कुछ चार्ज लगे, क्योंकि सभी बैंकों के अपने रूल्स होते हैं और चार्ज लेने के लिए कोई दिशा निर्देश नहीं दिए गए हैं। कुछ बैंक बिना किसी चार्ज के तो कुछ नॉमिनल चार्ज भी ले रहे हैं, जो कई पॉइंट्स पे वेरी कर रहा है। ये आपको आपके बैंक से ज़्यादा बेहतर पता चलेगा, लेकिन ये चार्ज इतना बड़ा भी नहीं है कि इसके लिए ज़्यादा ब्याज पर लोन चुकाया जाए। फिलहाल आज के एपिसोड में इतना ही, जल्द मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारा चैनल सब्सक्राइब करके। धन्यवाद।